हेलो गेमर्स, आप कैसे हैं? आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। और गाइज, आज के वीडियो में हम लेगो फॉर्टनाइट का जो न्यू अपडेट आया है वर्जन 28.30 उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। गाइज, न्यू अपडेट में न्यू आइटम्स ऐड हुए हैं, जिनमें नंबर 1 है फिशिंग रोड, जिससे हम फिशिंग कर सकते हैं। नंबर 2 है फूड प्रोसेसर, नंबर 3 है यहाँ पे बेट बकेट, नंबर 4 है स्पाइक ग्लास और नंबर 5 है कैंपस, जो कि 2 टाइप्स के हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हम ये सब बनाने वाले हैं, सबका यूज करने वाले हैं और किस तरह से इनको अनलॉक करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइज, हम यहाँ पे फूड प्रोसेसर लगाने वाले हैं, क्योंकि अपना फूड प्रोसेसर है वो ऑलरेडी अनलॉक्ड है। तो गाइज, सबसे पहले हम फूड प्रोसेसर वो ऐड करने वाले हैं। तो फूड प्रोसेसर के लिए अपने को लिए यहाँ पे प्लैंक बोन, वुडन रोड और यहाँ पे ग्रेनाइट चाहिए। तो अपने पास सब अवेलेबल है। तो ऐसा करते हैं, हम ये अपना जो फार्मिंग बेस है, जो कि अपने बिल्कुल मैन विलेज है, ठीक है, मैन विलेज के बिल्कुल पास में ही ये विलेज है, फार्मिंग विलेज, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। चलो यहाँ पे ऐड कर लिया है और ये लो यहाँ पे ऐड कर देते हो। तो ये हो गया अपना फूड प्रोसेसर। और अब यहाँ पे देखते हैं, यूज़ करने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इसके लिए अपने को फीस चाहिए। और फीस के लिए अपने को सबसे पहले यहाँ पे फीस रोड बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपने मैन विलेज चलते हैं और वहाँ पर फीस रोड बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अपना क्राफ्टिंग बेंच है वो अपग्रेडेड नहीं है। गाइज, न्यू अपडेट के बाद में हमने लिफ्ट चेक नहीं किया था, लिफ्ट वर्क करते या नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिफ्ट को भी यूज़ कर लेते हैं। तो गाइज, अभी भी अपनी लिफ्ट वर्क कर रही है। मोस्टली होता है, जब भी नया अपडेट आता है अपनी लिफ्ट ग्लिच होकर टूट जाती है और उसके बाद में नया बनाना पड़ता है। तो फाइनली यहाँ पे देखा जाए तो फिलहाल तो अपनी लिफ्ट प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो चलो गाइज, सबसे पहले अपने को फिश रोड बनानी है, लेकिन फिश रोड बनाने से पहले पता है अपने को फिश रोड को अनलॉक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, वर्क बेंच में बिल्कुल भी फिश रोड अभी अवेलेबल नहीं है। गाइज, अपने को सारी की सारी फिश रोड अनलॉक करनी है, तो उसके लिए अपने को इन्वेंट्री में कुछ आइटम्स ऐड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम कोड ऐड करने वाले। जैसे ही हम कोड ऐड करेंगे तो यहाँ पे फिश रोड का जो लेवल 1 है, यानी कि कॉमन है, वो अनलॉक हो चुका है। इसके बाद में गाइज, हम अपनी इन्वेंट्री में नोट रूड रोड है वो करेंगे एड, ये भी कर लिया है। इसके बाद सेकंड लेवल अनलॉक हो चुका है। साथ में हम यहाँ पे फ्लेक्स वुड रोड है, ये भी ऐड करेंगे। और उसके बाद में अपने को करना है फ्रोस्ट पाइन रोड। तो यहाँ पे देखो लेवल 3 भी अनलॉक हो चुका है। तो सारे के सारे अनलॉक हो जाएंगे यहाँ पे। ये लो गाइज, यहाँ पे लेवल 3 रेयर आइटम है, वो भी अनलॉक हो चुका है। और अभी अपने को एपिक अनलॉक करना है। चलो यहाँ पे थोड़ी सी अपने को फ्रोस्ट पाइन रोड है वो यहाँ पे क्राफ्ट करनी पड़ी है। और क्राफ्ट करने के साथ ही जैसे अपने इन्वेंट्री ऐड हुआ, तो यहाँ पे देख रहे हो फिशिंग रोड से वो अनलॉक हो चुके हैं, लास्ट वाले भी। इसके बाद में जैसे ही हम यहाँ पे अपने क्राफ्ट बेंच में चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस आ गए, जितने भी फिशिंग रोड्स है वो सब की सब अनलॉक हो गई है। और इनको बनाने के लिए देखो यहाँ पे देख सकते हो अपने को क्या क्या चाहिए। यहाँ पे ड्रॉ स्टेयरिंग वगैरह चाहिए और हैवी वूल भी चाहिए, साथ में ही अपने को आर्कटिक क्लो भी चाहिए। और इसके चारों के चारों ऑप्शन है अपने को मिल चुके हैं। इनमें से कोई भी फिशिंग रोड है वो हम बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन अपने को यहाँ पे एपिक वाली बनानी है, क्योंकि अपने विलेज में हर आइटम्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं एपिक। और यहाँ पे देख लेते हैं अनकॉमन के लिए अपने को क्या चाहिए, और साथ में ही यहाँ पे कॉमन जो कि सबसे पहले हम लोग कोई थे उसके लिए। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं एपिक फिशिंग रोड। चलो गाइज, यहाँ पे मैंने सारे के सारे आइटम्स पिक कर लिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं वर्क बेंच पर और फिशिंग रोड बना लेते हैं। फिशिंग रोड बनाने के लिए बनाने के बाद में हम जाने वाले हैं, पता है क्या करने, फिशिंग करने के लिए जाने वाले हैं। चलो गाइज, यहाँ पे कुछ अचीवमेंट भी अनलॉक्स हुए हैं, तो ये हम क्यूज वगैरह हैं ये भी कम्प्लीट कर लेंगे साथ में। गाइज, हमने अपनी फिशिंग रोड उठा ली और हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे पानी के पास, जहाँ पर हम फिशिंग करना सीखने वाले हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पर कुछ पानी में फिशिंग स्पॉट भी है, जहाँ पर अपने को फिशिंग मिलने वाली है। तो गाइज, ये भी बना सकते हैं। और इसके लिए अपने को बेट बकेट चाहिएगा, जो भी जो कि इस वीडियो में बनाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे फिशिंग करना सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी हाथ नहीं लगा, कोई नहीं गाइज, हम एक बार फिर से यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। और चलो यहाँ पे मछलियों को पकड़ने का मतलब एक बार फिर से ट्राई करते हैं। और यहाँ पर कुछ सेकेंड रुकने के बाद में ऑप्शन आ जाता है, तो अपने को होल्ड करना, फायर बटन को होल्ड किया और फाइनली गाइज यहाँ पे हमने एक फिश पकड़ लिए। और जैसे ही हमने फिश को इन्वेंट्री में डाला तो यहाँ पे फिश प्ले है ना वो अनलॉक हो चुका है। और यहाँ पे ये अपने पास है एक ऑरेंज फ्लोपर। वाओ गाइज, तो यहाँ पे एक बार और यहाँ पर चारा डालते हैं और इसके बाद में देखते हैं इस बार अपन कौन सी मछली पकड़ पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक और ऑरेंज प्लूपरी है और इसके साथ में अपना जो वाटर वेव चार्म है वो भी अनलॉक हो चुका है। तो जैसे ही हमने 2 फिश पकड़ी है, वाटर वेव चार्म जो कि नया अनलॉक मतलब इसे अपडेट के साथ में आया, वो भी अनलॉक हो चुका है।
तो चलो एक बार यहाँ पे वो ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे वाइन्स आई है, तो इसका मतलब फिश ही नहीं है, कुछ अलग आइटम्स है जो नदी में पड़े रहते हैं, उनको भी हम पकड़ सकते हैं, मतलब कैच कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे अंदर एक फिश स्पॉट बना हुआ है, चलो सबसे पहले इसके पास अंदर ट्राई करते हैं, यहाँ पे चल के देखते हैं ओके ये किस तरह का फिश स्पॉट है। तो यहाँ पे फिशेज है वो अट्रैक्टिव होती है, मतलब अट्रैक्ट होती है कि हम बना भी सकते हैं बेट बकेट के द्वारा। तो बेट बकेट भी अनलॉक करेंगे इस वीडियो में, वो भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं जाने वाला हूँ इस स्टोन पे और इसके अंदर चेक करना है किस तरह से हम पकड़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे चलो कांटा डाल देते हैं और इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं फिश पकड़ना इजी होता है कि नहीं होता है। चलो गाइस यहाँ पे ओके, तो अपने को एक और फिश मिल चुकी है। तो चलो गाइज यहाँ पे एक बार फिर से ट्राई करते हैं, अलग टाइप्स की फिश अपने को मिल चुकी है फाइनली। अपने को पहले ऑरेंज फिश ही मिल रही थी और यहाँ पे अपने को मिल गई है एक ब्लू सब फिश। तो गाइज अपने पास यहाँ पे काफ़ी सारी मतलब फिश हो चुके हैं, थोड़ी सी फिश यहाँ पे ऐड करते हैं, उसके बाद में चलेंगे हम फार्मिंग विलेज में और वहाँ पर फूड प्रोसेसर है उसको इस्तेमाल करके देखेंगे, क्योंकि उसमें फिश ही ऐड होती है। चलो यहाँ पे एक फिश और पकड़ लेते हैं, उसके बाद में चलेंगे हम अपने फार्मिंग विलेज पे। चलो एक और फिश अपने को मिल चुके, इसको भी डाल देते हैं इन्वेंट्री में। गाइज हम यहाँ पर फिशिंग करके आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले, यूज करने वाले हैं यहाँ पे फूड प्रोसेसर का। तो यहाँ पे देखो ये वाली फिश है जो ऑरेंज फ्लोपर है, इसको हम ऐड कर देते हैं। तो चलो यहाँ पे ऐड कर देते हैं और जैसे ही ऐड कर देते हैं तो इससे जो फिश प्ले अनलॉक हुआ था वो बनने लग जाएगा। चलो यहाँ पर फिश प्ले बना लिया है हमने और देखते हैं ये यूज करके हम इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैं दूसरे वाली भी ऐड करने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे फिशेज वो मेल्ट हो चुके हैं, अब ऐसा करते हैं यहाँ पर हम इनको कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, टेक ऑल पर जैसे ऑप्शन किया तो ये तो वर्क नहीं कर रहा है, कुछ गलीच वलीच बैग वैग है और दूसरी फिशेज है। चलो यहाँ पे अपना सिंपल सुशी, ओके गाइस जो फूड्स आया है सिंपल सुशी है वो अनलॉक हो चुका है, जिसको हम तो यहाँ पे कुछ है, और साथ में बेट बकेट भी यहाँ पे अनलॉक हो चुका है, बेट बकेट का भी हम इस्तेमाल करने वाले, यूज करने वाले इस वीडियो में, ये भी बनाएंगे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे ब्लू सब फिश थी उससे अपने को थोड़ी सी ड्रिंक और मतलब जूस वगैरह भी मिला है। चलो ये सब हमने ऐड कर लिया और इसमें से जो यहाँ पर बेट बकेट अनलॉक हुआ है वो जो कॉमन है ना, वो तो हम इसी से बना सकते हैं फूड प्रोसेसर से। कॉमन बेट पैकेट है वो तो फूड प्रोसेसर से बना सकते हैं, लेकिन बाकी के जितने भी हैं अनकॉमन एपिक रेयर है वो अपने को जूसर से बनाने पड़ेंगे। तो चलो गाइज यहाँ पर हम बना लेते हैं कुछ बेट पैकेट है। तो यहाँ पर गाइज ये बेट पैकेट है, इसका यूज करके हम फिशिंग स्पॉट बना सकते हैं पानी में, जहाँ पर फिश अट्रैक्ट होती है और उसके बाद में ईजी फिशिंग हो सकती है। तो चलो गाइज यहाँ पर मैंने 10 बेट बकेट बना लिए हैं और इनको कर लेते हैं पटापट कलेक्ट। चलो गाइज अपने पास अभी काफ़ी कुछ अनलॉक हो चुका है, तो यहाँ पे देख रहे हो अनकॉमन रेसिपी है वो भी यहाँ पे अनलॉक हो चुकी है। तो साथ में बेट बकेट की जितनी भी रेसिपीज है वो सारी की सारी अनलॉक हो चुकी है। यहाँ पे देख रहे हो रेयर वाली भी अनलॉक हो गई और इनका इनको बनाने के लिए अपने को जूसर की जरूरत पड़ेगी, और फिलहाल फार्मिंग विलेज में जूसर नहीं है तो अपने को मैन विलेज जाना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पे देख रहे हो एपिक वाला बेट बकेट है वो भी हो चुका है अनलॉक। तो गाइज अब मैं अपने मैन विलेज जा चुके हैं और यहाँ पर देखो जूसर के अंदर सारे के सारे आइटम्स है बेट बकेट के, वो अनलॉक हो चुके हैं, जहाँ पर एपिक वाले को बनाने के लिए अपने को स्लैब जूस और साथ में यहाँ पे बेट बकेट और स्पाइसी बर्गर चाहिएगा। तो यहाँ पे बेट बकेट तो हम बना के पहले से लेके आए हैं, फूड प्रोसेसर में बनता है बेट बकेट, और उसके बाद में हम बेट बकेट का इस्तेमाल करके ऊपर के जो रेयर अन और साथ में एपिक वाले हैं वो बना सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम एपिक बेट बकेट है वो बनाने वाले हैं, अपने को स्पाइसी बर्गर चाहिए तो स्पाइसी बर्गर उठा लेते हैं, उसके बाद अपने को सेलेब जूस चाहिए तो वो भी उठा लेते हैं। सेलेब जूस और बेट बकेट तो अपने पास पहले से ही है, चलो गाइज यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं और इसके बाद में हम वापस फिशिंग करने चलेंगे और देखेंगे वाटर वहाँ पर कैसा फिशिंग स्पॉट बनता है वाटर में। ओके, तो गाइज यहाँ पर कुछ बना लेता हूँ फटाफट और बना के इनको कलेक्ट कर लेते हैं। तो चलो गाइज यहाँ पर 3 बेट बकेट बना लिए हमने एपिक वाले। साथ में गाइज अपना वेव ब्रेक जो चार्म अनलॉक हुआ था वो भी यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। चलो यहाँ पर ये है वेव ब्रेक चार्म, जिसको बनाने के लिए अपने को ऑरेंज प्लोपर चाहिएगा, बाकी तो अपने पास सब है। तो अपने को गाइज फिशिंग थोड़ी सी और करनी पड़ेगी और ये चार्म बनाएंगे और इसे भी यूज करके देखने वाले हैं इस वीडियो में। चले गए आज एक बार फिर से हम वाटर के पास आ चुके हैं और मेरे हाथ में है यहाँ पे बेट बकेट जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। बस इसको अपने को थ्रो करना है
और ये देखो यहाँ पे एपिक वाला यूज किया तो यहाँ पे पिंक फिशिंग स्पॉट बन चुका है। और गाइस अब यहाँ पे देखेंगे फिशिंग। ओके तो यहाँ पे देख रहे हैं अपने को एक मिली है, शायद ये वही है ब्लू सब फिश ही है। चलो गाइस यहाँ पे हम कुछ फिशिंग विशिंग करने वाले हैं, थोड़ी सी फिशिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। काफ़ी दिनों बाद में अच्छा अपडेट आया कुछ, और साथ में बहुत सारे आइटम जितने भी है ना वो सबके सब हम यूज करने वाले बनाने वाले। ओके तो ये कुछ नई लग रही है या बिल्कुल वही मछली है। ओके यहाँ पे ग्रीन प्लोपर। ओके तो अपने पास एक और नई ग्रीन प्लोपर मिल चुकी है अपने को, ब्लू भी मिली थी अपने को, अपने को पहले से ऑरेंज भी मिल चुकी है, और ये भी अपने पास शायद एक ऑरेंज प्लोपर ही है। ओके गाइस तो ऑरेंज प्लोपर मिल चुकी है। चलो गाइस यहाँ पे नॉर्मल वाला बेट बकेट है वो यूज करके देखते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया तो अपना पिंक वाला गायब हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि हम इनके बिल्कुल क्लोज में ये बना नहीं सकते, फिशिंग स्पॉट नहीं बना सकते जहाँ पे फिश अट्रैक्ट होते हैं। चलो यहाँ पे ब्लू वाले में पकड़ के देखते हैं, ये थोड़ा सा ब्लू कलर का है वो पिंक वाला है, तो इसमें किस तरह प्रकार की फिशिंग्स होती है। ओके तो ये काफ़ी हार्ड है। ओके गाइस अपने को कुछ अनलॉक हुआ है और ये कौन सी फिश आ गई है। ओके ये एक ऑरेंज फ्लोपर है लेकिन अपने पास नहीं। ओके चलो गाइज, ओके ये लेजेंडरी है गाइज, ये लेजेंडरी ऑरेंज फ्लोपर मिला है। तो यहाँ पे भी ऑरेंज फ्लोपर है वो भी अलग अलग टाइप्स की है, अपने को पहले कॉमन मिल रही थी और यहाँ पे एक लेजेंडरी मिल चुकी है। चलो यहाँ पे गाइज कुछ और फिशिंग स्पॉट बना लेते हैं। चलो यहाँ पे एक नॉर्मल वाला बना लेते हैं। ओके गाइज देखो वहाँ पे एक बना हुआ है, एक इधर बन गया, दो बन चुके हैं। ये मोस्टली पानी में खुद से भी बने हुए होते हैं लेकिन आप इनको बना भी सकते हैं बेट बकेट के द्वारा। और यहाँ पे मैंने एक और बना लिया है, तो यहाँ पे देख रहे हो इनके सबके अंदर हम फिशिंग कर सकते हैं। इनके अंदर अपने को कांटा डालना है और मछलियों को कैच कर लेना है, यानी कि मछलियों को पकड़ लेना है। चलो यहाँ पे अपने को एक और मछली मिल चुकी है। तो गाइस चलो ऐसे ही आप भी फिशिंग कर सकते हो। गाइस फिशिंग करने के बाद हम वापस आ चुके हैं अपने मैन विलेज पर, और यहाँ पर फिशिंग करते करते एक आइटम और अनलॉक हो चुका है जो कि न्यू आइटम आया न्यू अपडेट में, वो है हंटिंग डैगर। तो यहाँ पे हंटिंग डैगर की बात करें तो इसको बनाने के लिए अपने को ग्रेनाइट और बोन चाहिए, और ये बिल्कुल अभी तो अनकॉमन वाला, मतलब कॉमन वाला ही है। ओके कॉमन है, और जैसे जैसे बाकी के इसके वर्जन अनलॉक होंगे तो उसके बाद में देखेंगे, वैसे इसको यूज करने वाले हैं हम। चलो मैं इसको क्राफ्ट कर लेता हूँ, क्राफ्ट करने के बाद में देखते हैं ये किस तरह से यूज कर सकते हैं और कितना डैमेज देने वाला है ये एनिमीज पर। चलो गाइस यहाँ पे फटाफट है वन यहाँ पे क्राफ्ट कर लेते हैं, उसके बाद में हम चलते हैं नीचे। और यहाँ पर नाइट पहले से हो चुकी है तो यहाँ पे अपने को स्केलेटन्स मिल जाएंगे जिनको हम डैमेज देके देखेंगे किस तरह से ये काम करने वाला है। और साथ में गाइस एक और आइटम है और वो है वेव ब्रेक चार्म, तो ये भी हम बना लेते हैं। चलो गाइस हमने फिशिंग की थी तो ये भी क्राफ्ट कर लेते हैं, और ये भी हमने क्राफ्ट कर लिया, इसको भी हम यूज करके देखेंगे। तो इसका इस्तेमाल करके हम पानी में है ना वो तेज़ी से स्विमिंग कर सकते हैं, तो ये भी देखेंगे कितना वर्क करने वाला है। चलो सबसे पहले गाइस यहाँ पे हंटिंग डैगर है उसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो देखते हैं गाइस इसका कितना डैमेज है। तो यहाँ पे कम से कम भी 3-4 बार अटैक करने के बाद यहाँ पे एक स्केलेटन मर रहा है, लेकिन ये सिर्फ कॉमन वाला है। जब ये बाकी के इसके वर्जन अनलॉक होंगे तो मेरे को लगता है ये काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा मेरे को लगता है ये अपने को एडवांटेज रहने वाला है इसका। लेकिन ये तो जब ये अनलॉक हो जाएंगे इसके बाकी के वर्जन तभी अपने को पता चलेगा। साथ में यहाँ पे एक स्केलेटन को और मार के देख लेते हैं, 1 2। ओके यहाँ पे देर का था ये बिहाइंड, मतलब जब बिहाइंड पीछे से एनिमी अटैक करता तो ज़्यादा यूजेबल है, लेकिन यहाँ पे मेरे को तो नहीं लगता कुछ ज़्यादा डैमेज देता है। चलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे यूज करके हमने देख लिया है इसको भी, तो ये अभी तो ज़्यादा कुछ काम आने वाला नहीं है, अभी तो सोर्ड मेरे को लगता है ज़्यादा बेटर है इससे। तो गाइस एक बार हम फिर से वाटर के पास आ चुके हैं, और यहाँ पर हम पता क्या यूज करने वाले हैं, वेव ब्रेक चार्म। तो यहाँ पर चार्म है वो प्रॉपरली यूज हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्पीड में स्विम कर पा रहा है। और यहाँ पर देख रहे हो ओरा, देख रहे हो यहाँ पे ब्लू ओरा भी अपने करेक्टर के चारों ओर दिखाई दे रहा है। चलो गाइस यहाँ पे एक बार फिर से स्विमिंग करके देखते हैं और उस साइड जाते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी बढ़िया स्पीड में तैर रहा है, तो मतलब नॉर्मली जितना तैरता है मेरे को लगता है उससे तो कहीं ज़्यादा स्पीड है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो अपना वेव ब्रेक है चार्म इसको निकाल देते हैं, और इसको निकालने के बाद एक बार फिर से स्विमिंग करते हैं और उसके बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो गाइस यहाँ पे वेव ब्रेक चार्म है वो अपने को सिर्फ वाटर में स्विमिंग करने के लिए इस्तेमाल होने वाला है, यूज होने वाला है। तो
तो इसको यूज कर सकते हैं। देख रहे हो कितनी कम स्पीड हो गई है, लेकिन जैसे ही हम वापस इसको ऐड करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड है बढ़ जाती है। तो यहाँ पे वाटर वेव ब्रेक है, इसका भी हम इन्हें यूज करके देख लिया, तो काफ़ी अच्छा चार्म है ये भी, लेकिन मोस्टली ये पानी में ही काम आने वाला है, बाकी ज़्यादा अपने को इसका यूज नहीं होने वाला है। गाइज अभी हम आ चुके हैं डेजर्ट एरिया में, यानी कि अपने डेजर्ट विलेज पे, क्योंकि यहाँ पे अपने को डेजर्ट सेंड चाहिए। ग्रास सेंड होती है वो अलग होती है, डेजर्ट सेंड है वो अलग हो गई है न्यू अपडेट के बाद में। और यहाँ से अपने को ये जैसे ही हम देखो यहाँ पे ओके सेंड कलेक्ट कर रहे हैं, ओके कैन नॉट तो ओके यहाँ से नहीं निकाल सकते, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यहाँ से कुछ अलग प्रकार के अपने को सेंड मिलने वाली है। देखो अपने को सेंड तो मिली है, लेकिन और इसके साथ ही जैसे ही हमने सेंड अपनी इन्वेंट्री में डाला तो यहाँ पे ग्लास अनलॉक हो चुका है, क्योंकि ग्लास का यूज करके ही हम स्पाइक ग्लास बनाने वाले हैं और साथ में ही कैंपस बनाने वाले जिसका यूज होने वाला है। कैंपस मेरे को लगता है सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि डायरेक्शन की बहुत प्रॉब्लम्स होती है, हम इधर उधर निकल जाते हैं, सामने जाते हैं और पता नहीं घूम के कैसे से वापस पीछे चले जाते। चलो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, फटाफट थोड़ी सी यहाँ पे सेंड कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में हम वापस मैन विलेज चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी अपने पास क्राफ्टिंग बेंच वगैरह नहीं है और ना ही यहाँ पे आइट मतलब ज़्यादा लूट वगैरह भी नहीं है यहाँ पे। तो चलो गाइस यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी सेंड इकट्ठा कर लिए और देखो काफ़ी सारी सेंड हो चुके हैं, जो कि मेरे को लगता है ग्लास बनाने के लिए काफ़ी है। तो फटाफट चलते हैं वापस अपने मैन विलेज पे। ठीक है गाइस, जो हम वापस आ चुके हैं मैन विलेज पर, और यहाँ पे मेटल स्मेल्टर उसमें ऑप्शन आ चुका है ग्लास बनाने का। इसके लिए अपने को ब्राइट कोर चाहिए और साथ में ही सेंड चाहिए, और सेंड भी कौन सी चाहिए, अपने को डेजर्ट वाली सेंड चाहिए। चलो मैं ब्राइट कोर उठा लेता हूँ और फटाफट है ना इनमें है ना ऐड कर देते हैं। चलो यहाँ पर ग्लास ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे पहले ऐसा होता था एक साथ ऐड हो जाता था, लेकिन अभी यहाँ पे एक साथ नहीं हो रहा, पहले अपने को ब्राइट कोर ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद में अपने को सेंड ऐड करनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, ये मैं ऐड कर देता हूँ। ओके यहाँ पे ब्राइट कोर एक लगने वाला है और सेंड यहाँ पे डबल लगने वाला है। चलो मैं ऐड कर देता हूँ, उसके बाद ग्लास बनाते हैं और ग्लास बनाने के बाद में हम स्पाइक ग्लास बनाएंगे और यूज करके देखेंगे कि कैसा दिखता है भाई स्पाइक ग्लास यूज करने में, कितना बढ़िया है या ज़्यादा अच्छा नहीं है, देखते हैं। तो यहाँ पे गाइस अपने ग्लास रेडी, ऐसा करता हूँ मैं कुछ ग्लास है ना कलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट यहाँ पे। चलिए यहाँ पे ग्लास कलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी क्राफ्ट होते रहेंगे। तो गाइज अपने पास 23 ग्लास हो चुके हैं, साथ में यहाँ पे गाइज इन्वेंट्री में देख रहे हो एक ऑप्शन और आ चुका है, यानी कि यहाँ पे जो हम कैंपस बनाने वाले हैं वो कैंपस है यहीं पे ऐड होने वाला है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले स्पाइक ग्लास देखो अनलॉक हो चुका है, जैसे ही हमने ग्लास ऐड किया ना तो स्पाइक ग्लास अनलॉक हो चुका है और साथ में यहाँ पे कैंपस है ना वो भी अनलॉक हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए स्पाइक ग्लास है वो अनलॉक हो चुका है, और साथ में यहाँ पे सर्वाइवल कैंपस और बेसिक कैंपस दो आ चुके हैं यहाँ पे। ओके यहाँ पे कैंपस सर्वाइवल और बेसिक, और जिसको सर्वाइवल को बनाने के लिए ज़्यादा आइटम्स चाहिए, कॉपर वगैरह भी चाहिए, और साथ में स्पाइक ग्लास भी है। तो सबसे पहले हम स्पाइक ग्लास बनाएंगे, ये तीनों ही बनाने वाले हैं। तो ऐसा कर लेते हैं, अपने को चाहिए नोट रोड, तो मैं फटाफट नोट रोड उठा लेता हूँ यहाँ पे, और सबसे पहले हम स्पाइक ग्लास बनाएंगे, स्पाइक ग्लास को यूज करके देखेंगे। चलिए यहाँ पे स्पाइक ग्लास और इसको क्राफ्ट कर लेते हैं। चलिए गाइस यहाँ पे स्पाइक ग्लास हो चुका है क्राफ्ट, और साथ में कुछ अचीवमेंट्स भी अनलॉक हुए हैं, तो ये तो मैं वापस रख देता हूँ। और अभी गाइस हम सबसे पहले तो स्पाइक ग्लास का यूज करने वाले हैं। चलिए गाइस यहाँ पे है अपने जो इस स्काई आइलैंड है, यहाँ पे खड़े होकर ओके गाइस काफ़ी ज़्यादा जूम इन हो रहा है, तो ओके गाइस कितनी दूर तक देख सकते हैं, तो स्पाई ग्लास से हम काफ़ी दूर तक देख सकते हैं। वाओ, तो स्पाई ग्लास तो मेरे को लगता है काफ़ी बढ़िया आइटम दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस अपना विलेज वगैरह ओके, तो गाइस यहाँ पे मैं देख तो पा रहा हूँ, लेकिन कोई भी मेरे को लगता है एनिमल्स वगैरह स्पॉट नहीं हो रहा है। अब एनिमल्स है या नहीं है वो तो पता नहीं, या एनिमल्स पर मेरे को लगता है यहाँ पे एनिमल्स वगैरह भी स्पोर्ट का ऑप्शन होना चाहिए था, तो ज़्यादा अच्छा लगता। चलो यहाँ पे विलेज वगैरह है, ओके सब कुछ हम देख सकते हैं भाई, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो स्पाइक ग्लास से हम दूर का देख सकते हैं। चलो गाइज ये तो स्पाइक ग्लास हो गया, और अभी अपने को बनाने दो कंपास और। चलो गाइज अभी हम बना लेते हैं फटाफट कंपास भी बना लेते हैं, और यहाँ पे देखो बेसिक कंपास है तो ये भी बना लेते हैं, और साथ में ही सर्वाइवल कंपास भी बना लेते हैं, क्योंकि अपने को दोनों यूज करके देने हैं और दोनों में देखना है कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ अचीवमेंट भी अनलॉक हो चुके हैं,
तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कैंपस ऐड करने का ऑप्शन आ गया, तो हम बेसिक वाला ऐड करने वाले हैं। और जैसे ही बेसिक वाला हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे ओके मर्जिंग आइटम कर देता हूँ। ओके यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ही ऊपर देख रहे हो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, तो यहाँ पे ईस्ट है, साउथ वेस्ट, वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट सब आ गए, मतलब सारे डिग्रीज आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बहुत बढ़िया हो चुका है। तो यहाँ पे बेसिक कैंपस है वो काम कर रहा है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा बिल्कुल। यहाँ पे साउथ वेस्ट साउथ सब कुछ आ चुका है स्क्रीन के बिल्कुल टॉप पे, मिडल में, सेंटर में। तो गाइस यहाँ पे देख रहे हो कैंपस तो अच्छी तरह से काम कर रहा है। मैप में भी कुछ चेंजमेंट यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे गाइस अगर कैंपस की बात करें तो मेरे को बेसिक कैंपस अच्छा लगा। डायरेक्शन में बहुत दिक्कत होती थी, बार बार मैप खोल के देखना पड़ता था, और अभी मेरे को लगता है मैप खोल के बार बार देखना नहीं पड़ेगा। जिस भी डायरेक्शन में अपने को जाना है उस डायरेक्शन में हम इजीली जा सकते हैं। तो ये तो हो गया गाइस बेसिक कैंपस। चलो ऐसा करते हैं अब गाइस हम सर्वाइवल कैंपस है उसको भी यूज करके देख लेते हैं। और गाइस जैसे ही इसको यूज किया तो डायरेक्शन तो आ रहा है, साथ में यहाँ पे गाइस दूरी भी आ चुकी है। तो यहाँ पे अपन कितना दूर है विलेज, ओके सारे के सारे विलेजेज भी दिखा रहा है, और साथ में यहाँ पे डिस्टेंस भी दिखा रहा है गाइस। तो यहाँ पे देख रहे हो डिस्टेंस भी आ गया है डायरेक्शन के साथ साथ में, अपना विलेज ये अपना 200, ओके ये 400 मीटर दूर है, ये अपना 200 मीटर दूर है जो कि अपना फार्मिंग विलेज है। और एक दूसरा स्पॉट और के ओके यहाँ पे दिखा रहा, तो यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है। तो यहाँ पे मेरे को लगता है ये भी बढ़िया हो चुका है। तो मेरे को लगता है जो सर्वाइवल कैंपस है ना वो ज़्यादा काम का ज़्यादा यूजेबल है बेसिक कैंपस से। तो मैं तो यहाँ पे सर्वाइवल कैंपस है वही यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो गाइस हम देख सकते हैं यहाँ पे सारी मतलब डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों एक साथ दिखा रहा है। तो डायरेक्शन भी देख सकते हैं साथ में डिस्टेंस भी देख सकते हैं। और ये स्काई आइलैंड अपना कैसा लगा आपको बताना, क्योंकि अभी भी इस पर काम करना बहुत बाकी है। अभी भी डेकोरेशन वगैरह मैंने अभी ज़्यादा किया नहीं। और लिफ्ट लो भाई, न्यू अपडेट के आते ही अपनी लिफ्ट गलीच हो चुकी है और लिफ्ट अटक गई है और लिफ्ट यहाँ से निकल ही नहीं रही है, इसको तोड़ फोड़ के वापस निकालना पड़ेगा अपने को। तो गाइज ये न्यू अपडेट्स की डिटेल थी इस वीडियो में। आपको ये डिटेल्स कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना गाइज। इसी के साथ ये वीडियो गाइज यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो चलो गाइज नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर।